हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रेमन जैन। आज हम जानेंगे कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग रहती है वो प्लेज करते हैं तो हम कहाँ देखें, ताकि आपको भी आइडिया आ सके कौन से स्टॉक्स में कौन से प्रमोटर्स ने अपने जो शेयर्स हैं प्लेज रखे हैं, ताकि स्टॉक्स खरीदने के पहले हमें भी आइडिया आ जाए कि काफी मीन्स अगर स्टॉक्स प्लेज करते हैं प्रमोटर्स तो उस स्टॉक में काफी दिक्कत आती है और लॉन्ग टर्म के नजरिए से काफी मीन्स प्रेशर उस स्टॉक में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी लिमिटेड के स्टॉक्स, यूनिटेक के और काफी सारी कंपनीज है जिनके प्रमोटर्स ने काफी मीन्स ज्यादा प्लेज कर दिए हैं उनकी होल्डिंग, और उसी के कारण सबसे ज्यादा दिक्कतें उन स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो इस वीडियो में वही हम चेक करेंगे कि कहाँ हम देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग और कितने होल्डिंग उन्होंने प्लेज कर रखी है। प्लेज मीन्स प्रमोटर्स गिरवी रखते हैं अपने शेयर्स, या तो बैंकों में रखते हैं या पीई फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, या बड़े ब्रोकर्स या बड़े इन्वेस्टर्स के पास गिरवी रखकर पैसे जुटाते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है एनएससी की वेबसाइट के ऊपर। ये nscindia.com डालकर एनएससी की वेबसाइट खुल जाएगी। उसके अंदर आपको जाना है कॉर्पोरेट्स के अंदर। कॉर्पोरेट्स के अंदर सीधा आपको जाना है प्लेज डेटा के ऊपर, उस पर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो ओपन होने के बाद आपको देखना क्या है, प्रमोटर्स ने कितनी शेयर्स प्लेज कर रखी हैं और उनके पास होल्डिंग कितनी है। ये दोनों चीजें जो हैं सबसे जरूरी हैं। तो आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, टोटल प्रमोटर की होल्डिंग है 61% और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल प्लेज शेयर्स अवेलेबल नहीं है। काफी मीन्स कम शेयर्स जो है 0.63% प्लेज किए हैं, तो ये काफी कम मात्रा में है, तो इससे ज्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है। और अगर दूसरी कंपनी अगर आप देखेंगे 20 माइक्रोन्स लिमिटेड, तो प्रमोटर के पास लगभग आप देख सकते हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग के अंदर 43% की इनकी होल्डिंग है और उसके अंदर लगभग 55% उसके प्रमोटर शेयर एनकूब एस ऑफ लास्ट क्वार्टर, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 55.56% जो है प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक प्लेज किए हैं। तो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा, प्लेज करने के बाद उनकी जो होल्डिंग बचती है लगभग आधी हो जाती है, 43 से आधी आप पकड़ो, तो होल्डिंग कम हो जाती है, प्लेज ज्यादा हो जाते हैं और उस प्लेज जो स्टॉक रखते हैं प्रमोटर्स जिसके पास भी रखते हैं उनके पास सारे राइट्स मिल जाते हैं कंपनी के। वो चाहे तो अगर पैसे अगर फिर से लेने हैं तो उनके पास मीन्स सारी राइट्स आ जाती है, वोटिंग राइट्स भी आ जाती है कंपनी की। तो काफी दिक्कत लॉन्ग टर्म में अगर आ सकती है अगर कंपनी बढ़िया ग्रो अगर लॉन्ग टर्म में नहीं करती है तो उसके नीचे अगर आप देखेंगे ए टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग, इसमें 29.56% की प्रमोटर की होल्डिंग है और प्लेज शेयर्स है लगभग 96.28%। ये जो 29.56% है उसका 96.26% है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कितने स्टॉक्स होल्डिंग प्रमोटर्स के पास हैं और कितनी प्लेज कर रखी हैं। तो क्वालिटी का भी मैं आपको, अगर आपको किसी स्टॉक स्पेसिफिक देखना है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। क्वालिटी लिमिटेड के बारे में हम सर्च करेंगे तो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, तो आपको भी पता चल सकता है कि कितने परसेंटेज जो है प्रमोटर्स ने होल्डिंग प्लेज कर रखी है। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी लिमिटेड, इनकी टोटल प्रमोटर की होल्डिंग है 54.76 और इन्होंने टोटल जो है प्लेज कर रखे हैं 79.01। पहले 71 था, उसके बाद फिर शायद और प्लेज कर रखे हैं, उसी के कारण जो है 79% की उनकी होल्डिंग प्लेज हो गई है और उसी के कारण
जो है स्टॉक में काफी प्रेशर देखने को मिला है। लगभग 150-100, 125 के करीब ये स्टॉक चलता था और आज लगभग 30 और 40 के बीच में आकर रुका है। तो ये कारण है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले आप ये जरूर देखें कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है और प्लेज कितने स्टॉक कर रखी है। सभी कंपनीज के प्रमोटर्स प्लेज नहीं करते हैं, जिस कंपनी में कुछ दिक्कत आ जाती है कैपिटल को लेकर तो वही प्रमोटर्स कुछ स्टॉक जो है प्लेज करते हैं और फिर खरीद लेते हैं। लेकिन अगर ज्यादा कंटिन्यूस अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग प्लेज करते रहें तो काफी दिक्कत उस स्टॉक में देखने को मिलती है। तो ये एक डिटेल्स बतानी थी ताकि आप कहाँ आप खुद ही जाकर देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर कि कहाँ हम चेक करें। तो यही एक चीज बतानी थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।